अच्छी है, पढ़ी लिखी लड़की, अच्छे घर से है, संस्कारी लड़की है, क्या चाहिए उसके बारे में दो शब्द क्या कहेंगे? बहुत अच्छी लड़की है। तो मतलब जैसे कि बारात कैसे जाएगा, इसका अच्छे से रखोगे कि नहीं? बारात कैसे जाएगा, इस बारात कैसा जाएगा? जैसा कंग्रेचुलेशन भैया जी, शादी मुबारक हो। दोस्तों आप लोग जानते हो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ यूपी वाले भैया जी की शादी किसके साथ हो रहा है? मैं जानती हूँ। तो जानने से पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। दोस्तों मैं बता दूँ, नेचुरल वर्ल्ड ऑफ यूपी वाले भैया की शादी सलोनी दी से हो रही है। जितने लोग भी लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं जो सलोनी दी, हम ना दहेज देंगे और ना ही लेंगे। हाँ खुशी है तो अपने तरफ से कुछ भी कर दो, उसको खुशी है, उसके पिता को अगर खुशी है, अपनी बेटी को कुछ देना चाहता है तो खुशी से अपने तरफ से हम लोग नहीं कहेंगे कुछ, नहीं कुछ नहीं मांगना है। और रहा बात, हमें खुशी है तो हम रिया को दे रहे हैं। सच भी है, जो शादी है वो सलोनी दी से हो रहा है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो को पूरा देखिए, पता चल जाएगा। दोस्तों बिना मम्मी पापा की परमिशन से नेचुरल वर्ल्ड ऑफ वाले भैया जो है खुद से सेटिंग कर लिए और शादी भी करने जा रहे हैं। तो आप लोग उनके खुशी में कितने लोग जा रहे हैं प्यारा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग एक कुछ दिनों से आप लोग वीडियो देखते आ रहे हो गोरखपुरिया भाभी की, रिया की जो शादी सेट हो गया है, रिया के लिए लड़का खुजा गया है, लड़के वाले तीन भाई है, रिया दहेज में चार चक्का लेगी। अभी तक उनका शादी है वो फाइनल नहीं हुआ है, पता नहीं ये वीडियो कितने साल तक शादी वाला वीडियो चलेगा पता नहीं। और देख सकते हैं नेचुरल वर्ल्ड ऑफ यूपी वाले भैया को कितनी जल्दी शादी कर रहे हैं, अकस्मात बिना यूट्यूब फैमिली का इन्फॉर्मेशन देते हुए शादी कर रहे हैं। वाह भाई क्या गजब, इतने सारे लोग आपको सपोर्ट किए और पब्लिक को भी नहीं बताए, अकस्मात शादी कर रहे हो। यूट्यूब फैमिली आप लोग उनको बार बार कमेंट कीजिए, कहीं इन्फॉर्मेशन दीजिए, हम लोग सब लोग आएंगे आपकी शादी में और धूमधाम से आपकी शादी मनाएंगे। दोस्तों आप लोग प्यारा प्यारा सा कमेंट कीजिए और सलोनी दी के लिए आप लोग प्यारा प्यारा सा बधाई दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।